Hello to everyone. I welcome you all on this platform of Abhipedia regulatory body powered by Abhimanyu IAS. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं रिलेटेड टू ESIC डिप्टी डायरेक्टर का जो एग्जाम है इसके रिगार्डिंग. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसको जल्दी से जल्दी समझ के आपको आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आर लाइव कोर्स ESIC डिप्टी डायरेक्टर का रिगार्डिंग. ये कोर्स है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. बट अगर मान लीजिए आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपको वही क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपके डैशबोर्ड के अंदर, स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर. और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्लासेस हैं यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, 12 सितंबर से ये शुरू हो चुका है तो आप जल्दी से जल्दी इसको क्लासेस को देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो प्रोसेस यही है, जल्दी से जल्दी सवाल पढ़िएगा और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा. ठीक है, एसर्शन ये कहता है द बेसिक वीकनेस. ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर वन. द बेसिक वीकनेस ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस. रीजन इज इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स विच जॉइंड इट. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए कि बेसिक वीकनेस जो थी अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट के बीच में, दैट वॉज कि इनका जो बेस था, लोग जो थे इनसे बहुत कम जुड़े हुए थे. और वो जुड़ने का कारण कम इसीलिए था क्योंकि ये जो लड़ रहे थे मुद्दों के ऊपर, वो मुद्दे जो थे वो किसी छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स के थे, है ना, नैरो इंटरेस्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइन देम. ठीक है, सो आंसर इसका आंसर दीजिएगा मेरे को, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए. एंड ओके, हाँ जी, आंसर दीजिएगा इसका, क्या आंसर आपको लगता है. देखो, अगर देखा जाए तो ये सवाल को पढ़ने से ही समझ आ रहा होगा, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में, लेटर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, है ना. तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लेटर जो नेशनलिस्ट थे उनका अल्टीमेट जो एडवांटेज था वो ये था कि वो छोटे से मूवमेंट को वो वाइडर एंगल दे के उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की थी. ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनका नैरो सोशल बेस था, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. रीजन इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स विच जॉइंड इट. तो पहला जो सवाल है उसका सही आंसर क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट हो गया. तो यहां पे आएगा आपका ये ऑप्शन, ए एंड बी दोनों ही सही है, ए एंड आर मतलब असर्शन रीजनिंग दोनों ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप आपका ये आंसर ठीक हुआ होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. भीकाजी कामा के ऊपर है, दैट इज मैडम भीकाजी कामा अनफ्लर्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस. इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पेरिस में, इन द ईयर 1907 में, 1907 में. मैडम कामा सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द दादा भाई नरोजी. ठीक है, सर्व्ड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द दादा भाई नरोजी. एंड कामा जो है शी वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन पारसी फैमिली. तो ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है. ज्यादा मुश्किल आपको सेकेंड ऑप्शन में लग रहा होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली अ फैक्चुअल डेटा बेस्ड, तो ये याद है तो बहुत बढ़िया है. मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ. देखिए, कामा जी जो थी उन्होंने नेशनल फ्लैग अनफर किया था, फहराया था इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर 1907 में, दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. प्राइवेट सेक्रेटरी टू द नरोजी सर, बिल्कुल करेक्ट. एंड वॉज बॉर्न इन द पारसी फैमिली, एब्सोल्यूटली करेक्ट. वन एंड टू एंड थ्री आर दी तीनों के तीनों सही आंसर हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय आर करेक्ट. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू राजा राम मोहन रॉय आर करेक्ट. ही स्टार्टेड द आत्मीय सभा, ओके. ही रोट द गिफ्ट टू मोनोथेस्ट एंड ही पब्लिश द परसेप्ट ऑफ जीजस. ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज सभा, ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, इसमें आंसर दीजिएगा. नाउ इट इज ऑल्सो बेसिक सवाल, बस इसमें
एक सवाल के पीछे चार सवाल और पूछ लिए, ठीक है। यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग मल्टीपल थिंग्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ही स्टार्टेड द आत्मीय सभा, ऑब्वियसली हर शाम को ये अपने एक गार्डन के सामने, गार्डन में ये लोगों को बुलाते थे और विचार विमर्श किया जाता था, सोशल चेंज कैसे लाएं। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, है ना। तो आत्मीय सभा, फिर वही लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, इन्होंने स्टार्ट किया एक इनफॉर्मल सा ग्रुप जिसे आत्मीय सभा कहा जाता है। उसी के बीच में इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी लिखी, मतलब एक भगवान को मानो, मल्टीपल भगवान, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हिंदू माइथोलॉजी का, उसको मत फॉलो करो, मोनोथिस्ट बनो, ठीक है। और ही पब्लिश द परसेप्ट ऑफ जीसस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपको पता है इन्होंने माना कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, क्रिश्चियनिटी में भी अच्छा है, तो मैं वहाँ से भी चीज़ें उठाऊंगा। ही अल्टीमेटली फाउंडेड द ब्रह्मो सभा, दैट्स करेक्ट, 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो आपको ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये पता भी लग गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय मुगल एम्परर। मुगल एम्परर का नाम क्या है आप कॉमेंट में लिख दीजिए जल्दी से जल्दी, आपके पास 5 सेकेंड है, ठीक है। ही किसने दिया था, ये थे अकबर, अकबर टू ने इनको टाइटल दिया था, ठीक है। और इन्होंने सपोर्ट किया था किसको, अंग्रेजी को, साइंस को, वेस्टर्न मेडिसिन को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ही एडवोकेटेड टू दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेट्स के ऊपर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडरेट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। मॉडरेट लीडर, दे लैक फेथ इन द कॉमन पीपल, दे डिड नॉट ऑर्गेनाइज एनी ऑल इंडिया कैंपेन, ऑर्गेनाइज द ब्रिटिश रूल्स ऑलवेज रिस्पेक्टेड देम, आफ्टर फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी देयर ओन फेलियर्स मेड देयर पॉलिटिक्स ऑब्सोल्यूट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है, ठीक है। अब देखो एक ही सवाल है, लेकिन मॉडरेट पॉलिटिक्स का सारा पॉइंट इसमें कवर हो गया। तो आपको देखना है ऐसे सवालों में जहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं ना, जहां पे चार और चीजें याद होनी चाहिए, उसमें एलिमिनेशन लगाने का फायदा होता है। यही यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे पूछे जाते हैं। आंसर दीजिएगा इसका। राइट, सो दे लैक फेथ इन द कॉमन पीपल, बोल सकते हैं यस। मॉडरेट जानते थे कि यार अभी तक लोगों को इन्वॉल्व करना पॉलिटिकली फायदेमंद नहीं है, इनको अभी तक पहले पॉलिटिकल अवेयरनेस दो, फिर इनको स्ट्रगल के लिए इन्वॉल्व करो। एक्सट्रीमिस्ट का यही था, एक्सट्रीमिस्ट ने एक्चुअली विश्वास दिखाया लोगों के अंदर, ठीक है। तो यही डिफरेंस इनके बीच में था, दे लैक फेथ इन द पॉलिटिकल कॉमन पीपल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। They did not organize any All India campaign. यहाँ पे students को doubt लग रहा होगा, this is also absolutely correct. बताऊंगा कैसे। British rules always respected them after the decade of their own failures made their politics obsolete. बिल्कुल correct. ठीक है, तो British rules always respected them. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इनको भी बेचारों को कई बार धक्के धुक्के खाने पड़ते थे अंग्रेजों के सामने, तो ऐसा नहीं था। तो यहां पे आंसर आएगा 1, 2, 4, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, दे लैक फेथ इन द कॉमन पीपल, ये तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, और ये भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि उनके खुद के फेलियर्स थे, इस वजह से उनकी पॉलिटिक्स नीचे दब रही थी। अब डाउट आपको ये लगेगा कि दे डिड नॉट ऑर्गेनाइज एनी ऑल इंडिया कैंपेन, आपको लग रहा होगा स्वदेशी मूवमेंट, है ना, स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली स्वदेशी मूवमेंट तो एक बहुत ही छोटे लेवल पे मॉडरेट शुरू कर रहे थे, बंगाल तक ही जाना चाहते थे वो, और बंगाल तक ही रहे जब तक कि एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री नहीं हुई। एक्सट्रीमिस्ट एंटर कर गए, उन्होंने, उनका मुद्दा ये था कि स्वदेशी मूवमेंट को ऑल इंडिया कैरेक्टर देना ही देना है, और ऑल इंडिया कैरेक्टर मिला तब जब लाल बाल पाल तीनों स्वदेशी मूवमेंट के फ्रंट लीडर्स बन गए, ठीक है। तो जैसे ये बन गए, 1907 में स्प्लिट हो गया INC के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का। इन्होंने कभी भी ऑल इंडिया कैंपेन नहीं शुरू की, स्वदेशी वॉज अ वेरी लिमिटेड कैंपेन विद इन द बंगाल, ठीक है।
तो इनका जो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये इन्होंने कभी ऑल इंडिया नहीं कैरेक्टर दिया, एक्सट्रीमिस्ट ने दिया था, समझ आ गया? तो इन्होंने कभी ऑल इंडिया कैंपेन कभी नहीं शुरू की थी, या आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 के रिवोल्ट से। बाबू वीर कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट 1857 आफ्टर दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। बेगम हजरत महल हु प्रोवाइडेड ग्रेट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप टू द रिबेल्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्लेड टू नेपाल आफ्टर रिवोल्ट फेलियर। सिंपल सवाल है, आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, आंसर दीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल है, ठीक है? देखिए, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, उन्होंने एक्चुअली में पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट के अंदर, दिल्ली कैप्चर होने के बाद ही पार्टिसिपेटेड, करेक्ट है। हजरत महल जिन्होंने बेसिकली, आपको पता है, नेपाल चली गई, उन्होंने बहुत ब्रेव तरीके से उन्होंने लीडरशिप की थी लखनऊ को बचाने के लिए। अवध में उनके जो नवाब, मतलब उनके जो हस्बैंड थे वाजिद अली, आपको पता होगा वाजिद अली, तो वाजिद अली को बेसिकली बोल दिया कि आप अवध के नवाब नहीं हैं, अब आप अपनी कुर्सी से हट जाइए, हम कब्जा करेंगे। कौन कब्जा करेगा? डलहौजी साहब कब्जा करेंगे। तो डलहौजी ने अवध पे कब्जा कर लिया और फिर अल्टीमेटली हजरत महल ने डिसाइड किया कि मैं 1857 में अपना जो एरिया जो अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया उसको मैं वापस लेऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो फिर नेपाल की तरफ चली गई। आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो आई होप आपका जो आंसर होगा वो सी सही होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। पहला टर्म इलेक्शन, द टर्म इलेक्शन, इलेक्शन टर्म जो है वो 1892 में, 1892 में मेंशन की गई, 1892 के एक्ट में, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसमें मेंशन थी इलेक्शन टर्म। इलेक्शन टू काउंसिल इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम एक्ट 1892। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर बताइएगा। सोचो, कोई रट्टा नहीं मारना, ठीक है? और मेरी क्लासेस में मैंने जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ईपीएफ फॉर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने कोशिश किया था कि बैकग्राउंड बताना जरूरी है सवाल के पीछ में पीछे। 1892 में इलेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट्स करेक्ट, ठीक है? नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन वाली टर्म, इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट इलेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है? और इलेक्शन किसके लिए? 1892 के काउंसिल में एंट्री लेने के इलेक्शन की बात हुई थी इंडिया में, ठीक है? क्यों हुई थी इलेक्शन का टर्म, क्यों इस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि आपको पता होगा कि 1885 में आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा रिवोल्ट तो नहीं करना है, उसने पहले अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स मांगनी है, छोटी छोटी डिमांड्स मांगनी है। तो उन्होंने पहली डिमांड जो अपनी रखी और उसके ऊपर मीटिंग भी रखी, मीटिंग रख के अंग्रेजों के ऊपर प्रेशराइज किया, वो ये था कि भैया हमारे को ना काउंसिल एंट्री चाहिए, हमें काउंसिल एंट्री चाहिए। और काउंसिल एंट्री कैसे करना चाहते? इलेक्शन के द्वारा करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं चाहते कि हाँ आपको मन किया, आपने उसको राजा को नॉमिनेट कर दिया, आपने महाराजा को नॉमिनेट, वो नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। तो वो चीज़ कैसे आई? वो 1892 में अंग्रेजों को करनी पड़ी। 1885 में जब कांग्रेस बन गई, उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंट मीटिंग करते 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 अल्टीमेटली ये चीज़ उनको मिली, समझ आ गया? तो ये आई होप यू गॉट दिस आंसर, 1 एंड 2 आर दी करेक्ट आंसर, ठीक है? काउंसिल एंट्री में पार्टिसिपेट किया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन। जल्दी जल्दी इस सवाल को करते हैं, लॉर्ड डफरिन की वाइस रॉयल्टी में बनी ये, ठीक है? क्योंकि डफर बंदा था तो बन गई, है ना? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी एओ यूम, फर्स्ट सेशन ऑफ आई एन सी बॉम्बे, फर्स्ट सेशन ऑफ आई एन सी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर ऑल्सो प्रेजेंट, आंसर दीजिएगा। ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है इस सवाल को, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। देखो, आपने आंसर दे दिया है, देखो द वाइस रॉयल्टी ऑफ डफरिन, बिल्कुल डफरिन साहब डफर थे, हो गया। एओ यूम बिल्कुल नहीं है, आप आंसर देंगे कौन है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ, होना कहाँ था? पुणे में होना था, पुणे में हो नहीं हो पाया क्योंकि पुणे में हो गया प्लेग, तो पुणे में हो गया प्लेग इसीलिए बॉम्बे में कर दिया गया। पहले सेशन में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल भी प्रेजेंट थे, इसका भी सही पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखो आईएनसी में एओ यूम का पार्टिसिपेशन क्यों था, है कि नहीं? क्यों था? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता था, या हम लोग अगर ऐसे ही कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दे जहां अंग्रेजों का कोई बंदा नहीं होगा, तो अंग्रेज जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एटलीस्ट आईएनसी में अंग्रेज के द्वारा ये बनी होगी, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी सोचे, अरे हमसे ही बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, क्यों इसको मतलब वैसे करना है, वो करना है, बैन करना है, मतलब इसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, हमारे थ्रू तो बनी है, ये उनका विचार बन जाएगा, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो टू इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग, ठीक है, टू इज रॉन्ग। तो वन, थ्री एंड फोर, देखा किस तरीके से आपने एलिमिनेशन लगाया, आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्ट प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस वॉज पास्ड इन 1891 ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हुम। 1891 में जो एक्ट था कि चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करना है, वो पास्ड हुआ था किसके एफर्ट से? आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होना चाहिए? विद्यासागर जी, ज्योतिबा फूले, एम जी रनाडे फूले, केशव चंद्र सेन, बी एम मालावारी, आई थिंक ये आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम इन सभी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा। ओके, सो देखिए बी एम मालाबारी जो है वो एक्चुअली पाइनियर है इस चीज़ को लेकर आने के, बी एम मालाबारी। तो याद रखिएगा, जो एक्ट 1891 का आया वो बेसिकली इन्हीं के एफर्ट से आया था, केशव चंद्र सेन, बी एम मालाबारी। तो मालाबारी यहाँ पे मालाबारी है, तो आपका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे गलत दिया है, ईश्वर चंद विद्यासागर ऐसा कुछ नहीं था, विद्यासागर फूले बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, मालाबारी आपको पता होगा, ही वॉज एक्चुअली पाइनियर टू ब्रिंग दिस एक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर मूवमेंट जो है, गदर मूवमेंट किसके रिगार्डिंग जो है देखते हैं। ओनली हिंदू एंड सिख कम्युनिटी, मतलब ओनली इज द कीवर्ड, participated in this movement, okay, ideology and the publication of movement were strongly secular in tone. Answer दीजिएगा, ज़्यादा time तो लगेगा ही नहीं इस सवाल को solve करने में। देखते हैं कि गदर movement के हिसाब से देखा जाए तो क्या सही क्या गलत होना चाहिए। ओके ओके, देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली गलत है, ओनली नहीं लिख सकते क्योंकि हिंदू सिख कम्युनिटीज के सोल्जर्स तो थे ही थे, पीजेंट्स तो सही थे, बट मुस्लिम सोल्जर्स, मुस्लिम पीजेंट्स भी इसका हिस्सा थे, ऐसा है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है, ये स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, है ना? अगर ये सेक्युलर होगा तो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सिख सबके सब होंगे, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है गेट लगा दिया कि हिंदू सिख आएगा मुस्लिम नहीं आएगा, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसमें होना तो एक ही सही चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, इट वॉज अच्छा, गदर मूवमेंट का एक्चुअली एक ही बहुत ज़बरदस्त कमाल की चीज़ थी, इट वॉज एक्चुअली अ सेकुलर इन नेचर, कंप्लीट सेकुलर था। आंसर क्या है? टू ओनली इज द राइट आंसर। ये जो गदर था वो बेसिकली आपको पता है अंग्रेजी राज का दुश्मन जिसे कहा जाता है, गदर पार्टी न्यूज़पेपर, द गदर न्यूज़पेपर था, है ना? तो इसका जो है हेडक्वार्टर आप खुद इसके मैसेजेस के अंदर लिखेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के अंदर इसके ब्रांचेस थी, इसका एरिया फैला हुआ था सैन फ्रांसिस्को, है ना? और स्ट्रांगली कैरेक्टर इन सेकुलर था, इसके जो मेंबर्स हैं हरदयाल, सोहन सिंह, बाखना, करतार सिंह सराबा, रास बिहारी बोस, है ना? बेसिकली यही कहा जाता है कि गदर पार्टी जो थी वो एक तरीके से जितने भी इनिशिएटिव इन्होंने लिए वो अनसक्सेसफुल हुए, इसका मेजर रीज़न इसका लीडरशिप था,
लीडरशिप जो थी लाला हरदयाल की वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई, इसीलिए ये मेजरली अनसक्सेसफुल रहा, लीडरशिप सही नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन रूल बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या इंटेंशन थी ब्रिटिश इंडियन रूल की? टू क्रिएट अ मेजॉरिटी ऑफ बंगाल अगेंस्ट नॉन बंगालीज इन द पेरेंट बंगाल, टू कीप बंगाली उड़िया हिंदू स्पीकिंग पीपल टुगेदर इन पेरेंट बंगाल, टू क्रिएट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन द ईस्ट बंगाल। आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन रूल बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? देखिए, बंगाल का विभाजन करने का मेजर रीजन यही था कि भैया बंगाल में ना बहुत रेवोल्यूशनरी पैदा हो रहे हैं, है ना, 1902, 1901, अभिनव भारत, युगांतर न्यूज़पेपर, है ना, ये सारे क्या हो रहे थे, अंडरग्राउंड एसोसिएशंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ये देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें हिस्सेदार है। तो अगेन थोड़ा सा मुस्लिम्स को थोड़ा, आपको पता है उस टाइम पे आगा खान ये सब बहुत ज़्यादा उसमें थे, तो दे वॉन्टेड टू सपोर्ट दीज मुस्लिम पीपल टू मेक श्योर कि ये हिंदूज के अगेंस्ट लड़े, ऐसा कुछ था। तो हिंदू मुस्लिम को बीच में ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने और हिंदू मुस्लिम के बीच में गल्फ क्रिएट करने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल था। क्या आंसर होना चाहिए? 2 and 3 इज द राइट आंसर। ये आ गया अपना वेस्ट बंगाल वाला रीजन, वेस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदी स्पीकर है, ठीक है, और हिंदी है, उड़िया है, बंगाली है, मतलब हिंदू है, और ये है हमारा ईस्ट बंगाल, मतलब आज का बांग्लादेश, ठीक है। तो ये बनाने का इंटेंशन था उनका। ओके, विद रिगार्ड टू द 1857 रिवोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट, ब्रिटिश रिकवर्ड आगरा फर्स्ट, इंडियन मर्चेंट सपोर्टेड द रिवोल्ट, इंडियन इंटेलिजेंसिया प्रेड फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन इन यूपीएससी का एक एग्जाम होता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ एसी, उसके अंदर जो है आपको ये सवाल मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर आंसर की जो उनकी है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आंसर। अब देखिए, ऑब्वियस सी चीज है, ये लॉजिक बनता है कि हाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, आपको पता है क्यों शायद नहीं पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि एक्चुअली इंडियन सोल्जर्स जो सिपॉय है, ठीक है, इंडियन सिपॉय है, उन्हीं के बीच में से ये शुरुआत हुई थी, इसीलिए 1857 को सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। तो ये लॉजिक बनता है, बिल्कुल बनता है। सोल्जर्स कौन थे जो एकदम से लॉयल रहे अंग्रेजों के लिए? वो थे सिख सोल्जर, पठान और गुरखास, ये तीन थे जो एकदम लॉयल रहे अंग्रेजों के लिए, सिख, पठान और गुरखास, ठीक है। तो और अवध का जवान तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था अंग्रेजों से, तो अवध के जवान ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, दिस इज करेक्ट। ब्रिटिश रिकवर्ड आगरा फर्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गलत है। और इंडियन इंटेलिजेंसिया प्रेड फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश, करेक्ट, ठीक है। 1857 का टाइम के बाद बंगाल इंटेलिजेंसिया या इंडियन इंटेलिजेंसिया पढ़े लिखे लोग वो बेसिकली सोच रहे थे कि यार हमने जो 1857 में सपोर्ट दिखाया वो गलत दिखाया, अंग्रेज हमारे हित के लिए नहीं बैठा, अंग्रेज तो अपने हितों के लिए बैठा हुआ है, तो हमारे को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। दे गॉट टू नो आफ्टर 1857 रिवोल्ट, एंड फिर आपको पता चलेगा 1857 के बाद ही बहुत सारी जो पढ़े लिखे लोगों की एक एसोसिएशन बनना शुरू हो गई थी, है ना, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, 1885 का इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो, ठीक है, दिस वॉज करेक्ट, ठीक है। इंडियन तो 1 and 4 तो होना ही चाहिए, 1 and 4, डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया आफ्टर द स्प्लिट इन 1907? सो 1907 में जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस का, उसकी वजह से क्या क्या रीजन है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इंडिया में इमर्ज हुआ? सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टुक एन एरोगेंट एंड रिप्रेसिव स्टेप्स, जल्दी आंसर दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए इस पूरे स्टेटमेंट को, देन आंसर दिस क्वेश्चन।
देखिए एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने खूब सारा रिप्रेसिव स्टेप लिया अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता है 1907 में स्प्लिट हुआ, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को खूब सारा तरीके से उसके ऊपर धाराएं लगा दी, उनको जेल में भेज दिया, किसको कहाँ भेज दिया, किसको कहाँ भेज दिया। मॉडरेट को भी कुछ खास रखा नहीं, उनको बस उनको साइड में रख दिया कि आप चुप रहना, ज़्यादा बोलना नहीं, ठीक है। तो ये करेक्ट है। एक्सट्रीमिस्ट नेशनल रिजर्व फेल्स टू गिव द पॉजिटिव लीडरशिप टू द पीपल। एक्सट्रीमिस्ट ने ये तो बता दिया जनता को कि हमें चेंज करना है, हमें बहुत कुछ रेवोल्यूशन करना है, हमें सख्त कदम उठाने अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। लाल बाल पाल अपने ही के, लाल बाल पाल को तीनों को जेलों में भेज दिया है ना, तो वो लीडरशिप प्रोवाइड ही नहीं कर पाए। और अरबिंदो घोष जो है पॉलिटिक्स से ही संन्यास ले गए, इस तरीके से था। रेवोल्यूशनरी सक्सीडेड टू डेवलप, दिस इज करेक्ट। वेल प्लान्ड सिस्टम बिल्कुल नहीं था, कोई प्लानिंग व्लानिंग कुछ भी नहीं था। इट इज बी ऑप्शन, 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। होम रूल मूवमेंट के रिगार्डिंग है, इंडिया में क्या स्टेटमेंट है। द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मॉडरेट नेशनलिस्ट जॉइन द मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल एंड दो द मूवमेंट गॉट मच मोर सक्सेस इन 1907, हाउएवर इट डिसॉल्वड इन 1918। थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एलिमिनेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए सिंपल, द मूवमेंट लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो सीधा बोल दिया, एनी बेसेंट को भी बोल दिया। एनी बेसेंट तो बेचारी ज्यादा बोल रही थी कि आप मूवमेंट लॉन्च कीजिए, होम रूल मूवमेंट, INC लॉन्च दिस मूवमेंट। INC कहती है नहीं, हम नहीं कर रहे, आपको जो करना है कर लो। बेसेंट ने तो अपने हिसाब से लॉन्च कर दिया। बाल गंगाधर तिलक का भी यही सिस्टम था। मॉडरेट नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया, बिल्कुल बहुत सारे मॉडरेट्स थे, फटाफट होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और सक्सेस तो इसको मिली, बट डिसॉल्व भी 18 में हो गया था, ठीक है। तो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट, 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन, आई होप आपका ये सही होगा। सो आज इस क्लास के अंदर तो हमने इतने ही सवाल किए और आई होप आपको ये सवाल ठीक लग रहे होंगे। दे हैव अ गुड मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और कोई भी डाउट, कोई भी इंक्वायरी है आपको तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये भी बोल सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वेदर इट इज़ मेंटोरशिप और एनी अदर क्लासेस। इफ़ यू वांट थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स चाहिए तो 45 मिनट्स के, तो वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और डेफिनेटली हमारा जो कोर्स है ESIC डिप्टी डायरेक्टर का, वो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि देखो ये जो वैकेंसी है 151 वैकेंसी कम नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि कम नहीं है, यहाँ पे 10 लाख बच्चा पेपर नहीं देगा आपको। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं अभी इस वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। आपने EPFO का एग्ज़ाम दिया होगा, डेफिनेटली आपने दिया होगा। EPFO में जो ऑफिशियली जो बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम के लिए, लगभग 10 लाख बच्चा होगा, 8-10 लाख होगा जिसने पेपर भरा होगा, या 6-8-10 लाख होगा, इतना ही होगा। तो ऑफिशियली जो बच्चे बैठे हैं वो लगभग 2.5 लाख बच्चा है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा, फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन RTI रिप्लाई के थ्रू जो है हमें ये फिगर मिली है, लगभग 2.5 लाख बच्चा जो है वो EPFO के एग्ज़ाम के लिए बैठा था, ठीक है। सो 2.5 लाख बैठा है EPFO के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बच्चों ने पता नहीं कितनों ने अप्लाई किया होगा, बट डेप्टी डायरेक्टर का जो है ये, इसमें तो बच्चा ही ऑलरेडी लिमिटेड हो गया, फिल्टर हो गया। तो डेफिनेटली ये 150 वैकेंसी भी आपके लिए बहुत काम हो सकती है, बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है, अगर आप अभी सीरियसली पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है फिल्टर तो ऑलरेडी हो चुका है, 49% तो काम आपका हो चुका है, 51 के लिए काम कर रहे हो आप अभी, बिकॉज यहाँ पे एलिजिबिलिटी ही पूरा करना है, मेजर एक ऑप्शन रहता है, मेजर पॉइंट है, ठीक है। सो अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि किस लेवल कोई ऐसी मोटिवेशनल लेक्चर या कोई स्ट्रैटेजी लेक्चर या एनीथिंग जो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनना चाहिए,
डेफिनेटली वी आर हैप्पी टू ब्रिंग दैट लेक्चर. एंड मैंने आपको ऑफिशियल फिगर मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ईपीएफओ में लगभग 2.5 लाख बच्चा था जो एक्चुअली अपीयर हुआ था एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो ये फिगर जो है इतना फिगर है. ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. आई डेफिनेटली गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, थैंक यू.